चलो। रख लो भाई, इधर ही रख लो। पी लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं। ओडियन, ओडियन मानिक्यम, रक्षा करना। मछली मछली आपको चाहिए? आज कौन सी मछली लाए हो? मेरे पास पापलेट की मच्छी है और रो मच्छी भी है, क्या आपको चाहिए? नहीं आज नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बासी तो नहीं है? है? बासी तो नहीं है? अरे पूछ के रहा है, ताजा माल है, खा दबा कर दूं क्या? हाँ, दूध वाला भी आ गया। ऐसा है, जब से तूने दूध देना शुरू किया है एक फायदा तो हुआ है। दूध को जरा सा उबाल कर चाय पत्ती और शक्कर डाल दो, चाय बन गई, क्योंकि पानी तो पहले से ही होता है। ये क्या बोल रहे हैं आप? एक काम करो, तुम दूध और पानी अलग अलग दिया करो, मैं यहाँ खुद ही मिला लिया करूंगा। कैसे हो भैया? वो अकेले नहीं आ सकता क्या, जब तुम उसे बस तक छोड़ने जाते हो? अरे दामोदर, तुम बाहर आकर खुद चाय इसे दे रहे हो। कौन है ये? पहले इसे कभी नहीं देखा। अच्छा, लगता है नंदी आंखों से लोगों का भविष्य बताकर बेवकूफ बनाते हो। हाँ? वो अपना माणिक्यन है। ये तांत्रिक माणिक्यन है? अरे ये तो एक महान तांत्रिक है जो खुद हमारे गांव में आया है। जिसने कभी तांत्रिक ना देखा हो वो आकर देख लो, ऐसे होते हैं शानदार तांत्रिक। सुन दामोदर, उसे सिर्फ चाय मत दिया कर, अपनी महानता दिखाने के लिए सब दे दिया कर। मुफ्त की खाने को जो मिल रही है बैठा बैठा खाएगा मन उसका। इससे जरा इज्जत से बात करो भाई। ये महान आदमी गाँव गाँव शहर शहर वनवास काट कर फिर से अपने शहर वापस आया है। ऐसे महान आदमी का तो मिठाइयों से स्वागत होना चाहिए। ऐसे मनहूस कह के इसे गालियां मत दो। कृष्णा, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कि रात को घर लौटते वक्त ये तेरा काम तमाम कर दे। ये तुम भी ना, ये बहुत ही शांत स्वभाव का है दामोदर। अगर तेज खौलता हुआ पानी इसके चेहरे पर डालते तो भी ये कुछ नहीं करेगा। दोनों क्लासमेट जो थे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं दोनों। नायर भाई, बोलो, तुम भी इसके साथ मिले हो क्या? कई सालों बाद तो ये अपने गांव लौटा है, कम से कम कुछ वक्त तो उसे चैन से जीने दो। चैन से? एक वक्त था जब इसने पूरे गांव का सुख चैन छीन लिया था। एक लात मारूंगा तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। पर पैर गंदे नहीं करने। नायर भाई, जरा दामोदर की दुकान से पानी लाकर इस तांत्रिक के चेहरे पर डालो। जरा हम सबको इसका चेहरा तो दिखाओ। अरे क्यों तुम लोग इसकी जान के दुश्मन बने हो? जरा उसे आराम से चाय तो पी लेने दो। ये सब करके तुम लोगों को तो चैन मिलता नहीं, उसे परेशान करते रहते हो। वैसे भी हफ्ते में 2 दिन तुम लोग सरोजिनी के घर जाते हो, वहाँ से क्यों नहीं गर्म पानी मांगते? वहाँ तो हमेशा मिलता है। ये देखो, आज पूरे गाँव में इसी की चर्चा है। ये तुम्हारे मामा जी का पुराना दोस्त है। दोस्त? जी हाँ, ये एक तांत्रिक है, तांत्रिक माणिक्य। इनके बारे में सिर्फ सुना था पर मिलने का मौका नहीं मिला। अब तो मैंने इन्हें देख लिया है, अब इन्हें इनाम दिए बगैर कैसे रह सकता हूँ। एक बात तो कहनी पड़ेगी यार, हम कब से इसके बारे में बातें किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी सूरत देखो कैसे अकड़ के बैठा है ससुरा। इसकी अकड़ निकालनी पड़ेगी। इनके दिमाग में क्या चल रहा है? अगर तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ की तो इसका क्या अंजाम होगा तुम्हें मालूम नहीं है, जान लो। तुम्हारे मन में जो आए वो तुम बिंदास कर सकते हो। वैसे भी हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। ये इस वक्त लाचार है, इसकी शक्तियाँ खत्म हो चुकी हैं। अगर इसने हम पर जादू टोना किया और वो असर कर गया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो इसे इस गाँव से लात मार कर निकाल देंगे, वो भी गधे पे बैठा कर। बड़े धूमधाम से इसे अलविदा करेंगे। वो कौन सा गाना था? जादूगर सैया छोड़ मोरी भैया हो गई आधी। अरे भाई राकेश, पहले जो भी कुछ हुआ उसके बाद ये तुम जैसे आज के नवयुवकों को क्या डराएगा। इसे छोड़ दो, जाने दो, बेचारा है। वैसे भी अब हम सब की उम्र हो गई है, जाने दो इसे। दामोदर भाई जज्बाती हो रहे हो। राकेश ने आज जो बोला है वो होकर रहेगा। इसे हम में से किसी एक को डराना होगा। हम आधी रात तक गांव में घूमेंगे, देखते हैं ये हमें कैसे डराता है। आज सब देखेंगे द लास्ट तांत्रिक एक्ट। इसका मतलब जिद नहीं छोड़ोगे। पर एक शक है मुझे, जब भी कोई शर्त लगाता है तो उसमें हार जीत तो होती है। अभी के लिए ये मान लो, अगर ये जीत गया तो अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे गाँव का सुपर हीरो होगा। और इतना ही नहीं, हम इस आदमी की मूर्ति बनाकर गांव में लगाएंगे। ये हुई मर्दों वाली बात। अब फिर खेल शुरू किया जाए। बिल्कुल करते हैं, अब खेल में मजा आने वाला है। इसका चेहरा तो देखो, क्या तीर मारेगा। क्यों, सुन लिया ना, तुम्हें हमें डराना है। ये फैसला तुम करो कि किसे डराओगे। शर्त मंजूर है या नहीं? नहीं करेगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है। मैं तंत्र मंत्र से डराऊंगा। इसे जादू टोना करने से पहले हमें किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए, चाहे वो माँ हो, बाप हो या पत्नी। अगर ऐसा किया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक ऐसे तांत्रिक की कहानी है जो काली शक्तियों का बादशाह है, जो लोगों को अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से डराता है। घना अंधेरा या फिर अमावस्या की रात ऐसे तांत्रिकों के लिए उचित समय होता है, जब रोशनी नहीं सिर्फ अंधेरा होता है। चारों तरफ जब सन्नाटा हो, तब अपने दुश्मन का कोई वस्त्र या फिर कोई वास्तु इस्तेमाल करके उस पर जादू टोना करने का एक तांत्रिक के लिए सही वक्त होता है। वो अपने चार पैरों के सहारे झपटकर अपने शिकार के समक्ष प्रकट हो जाता है। शिकार को जब तक कुछ समझ में आए कि सामने प्रकट हुआ जीव गाय है या फिर बैल, इससे पहले ही शिकार का शिकार हो जाता है। ऐसे तांत्रिकों की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं। मृत इंसान के शरीर से वसा निकालकर तांत्रिक अपने कान में डालता है। जब एक तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए अपनी तपस्या में लीन होता है, तब उसे किसी का भी अवतार लेने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। एक जमाना था जब तांत्रिकों से पूरा गांव सहम जाता था, लेकिन आज वो जमाना नहीं रहा। जो तांत्रिक घने अंधेरे में अपने तंत्र मंत्र की विद्या से पहले जैसे लोगों को डराते थे, आज वैसा नहीं होता। पहले जिस तरह तांत्रिक लोगों को डराते थे, आज के नवयुवक उनका मजाक उड़ाते हैं। तमाम तांत्रिक आज देश छोड़कर चले गए हैं, पर उनकी तंत्र विद्या आज भी जिंदा है। काशी गांव से ये तांत्रिक कुछ सालों पहले गांव छोड़कर चला गया था। तकरीबन 15 सालों तक भटकने के बाद आज ये तांत्रिक काशी गांव में दोबारा लौटा है। ये कहानी इसी तांत्रिक की है। इस धरती पर तंत्र विद्या की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले तांत्रिक माणिक्यन की कहानी। क्या राजेश, आज तो इस तरह से खामोश बैठा है? आज का दिन तो तेरे नाम है, जरा हमारे लिए चाय तो बोल। देखना वो तांत्रिक तुझसे जरूर हारेगा। दामोदर, समझ ले आज से तेरे दोस्त की उल्टी गिनती शुरू। वो फिर से वापस वनवास चला जाएगा। हाँ? नायर, माणिक्यन की भविष्यवाणी करने की तुम्हारी औकात नहीं है। वो तो है। इस तरह से किसी का मजाक मत बनाओ। वो एक बार गांव छोड़कर चला गया था, ये अलग बात है। अरे दामोदर चाचा, हमें ऐसा लगता है कि आप भी माणिक्यन से डर गए। सुनो मनोज, अगर तांत्रिक माणिक्यन की कहानी सुननी है तो अपने घर जाकर अपने बाप से पूछो, वही ठीक से बताएंगे। वो इसके बारे में कई खौफनाक कहानियां सुनाएंगे। हाँ, आज भी तुम जब उस वासु की कहानी सुनोगे ना, तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। बड़ा आया तांत्रिक का तारीफ करने वाला। दामोदर चाचा, इस तांत्रिक ने वासु के साथ ऐसा क्या किया था? ए राजेश, चल इधर आ जा मेरे पास। उस घटना को याद करके आज भी अफसोस होता है। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर अब अफसोस करने से क्या फायदा। कभी माधवपुर गांव से कुछ लोग हमारे गांव में शरण लिए थे। तब मैं गांव के पुराने पुल पर बैठा हुआ था। उनमें से एक तांडव करता हुआ इस गांव में आया था। बहुत भयानक थी वो रात। सुन रहे हो? यही वो तांत्रिक है, इसी तरफ आ रहा है। काशी गांव का श्राप है ये। इसने हमें अंधविश्वास के दलदल में फंसा दिया है। उस वक्त हमारी रगों में गर्म खून था और साथ ही हमारे समुदाय का भी प्रभाव था। रामपुर गांव के लोग उससे बहुत प्रभावित थे। कहाँ जा रहा है मनहूस? वासु भाई, आखिर बात क्या है? अपने जैसा बनाना चाहते हैं मुझे? बिल्कुल बनाइए, बन जाऊंगा। जब नशे में रहूंगा तो आप जैसा व्यवहार करूंगा, और तब ना मैं भी आते जाते लोगों का रास्ता रोकूंगा, उन्हें उल्टे सीधे नाम से बुलाऊंगा। लोगों को नीचा दिखाने में आपका बहुत मजा। कृपा करके रास्ते से हट जाइए। घर जाकर कुछ जरूरी काम निपटाना है मुझे। ऐसी भी क्या जल्दी है तुझे? जादू टोने करने हैं ना? नहीं भाई साहब, घर जाकर इस बोतल को खत्म करना है। अब तो रास्ते से हट जाइए। अगर नहीं हटे तो? नहीं हटेंगे तो तो मैं दूसरी तरफ से घूमकर चला जाऊंगा। सुन लो, बहुत दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। आज के बाद तुम्हारा ये नाटक बंद होना चाहिए। भाई, कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। ये तो एक कला है। कई सालों से हमारे दादा परदादा यही कला तो दिखाते आ रहे हैं। बेवजह मेरे रास्ते का रोड़ा मत बनिए। मेरे खाने का समय हो रहा है, आप लोग भी बैठकर कुछ खाइए वाइए, मैं चलता हूँ। क्या सोचता है तू अपने आप को? भाई सब छोड़िए ना, कैसे चलाता है तू तंत्र विद्या? अरे छोड़ो मुझे, आज मैं इसे समझ सिखा के रहूंगा। छोड़ो। समझ नहीं आया आपने मुझे लात क्यों मारी? मेरी क्या आदत है ना वासु भाई, अगर कोई मुझे लात मारे और मैं उसे वापस न मारूं तो आप ही बताइए लोग क्या कहेंगे मुझे। क्यों बन गया ना मैं आप जैसा? अब तुम ही लोग बताओ, इसके बदले में। इसके बदले में क्या? बदला बदला कुछ नहीं। रात में कोई लफड़ा नहीं। हम ओडियंस की यही प्रथा है। बेवजह ही मैंने उससे झगड़ा मोल ले लिया था। हालांकि दोस्तों ने मना किया था मुझे। मेरे सारे दोस्तों के जाने के बाद मैं वहां अकेला पड़ गया। फिर मैं अपने घर के लिए निकल पड़ा। सुबह तक उसने मुझे अपनी सींगों में लटका कर रखा। उसने मुझसे कुछ कहा था, चाहे कितना भी जोर लगा लो आवाज बाहर नहीं आएगी वासुभाई। अब आगे से तुम किसी भी शरीफ आदमी को नीचा नहीं दिखाओगे। मना किया था ना कि मेरे रास्ते का रोड़ा मत बनो। फिर वो वहां से चला गया। तब से लेकर आज तक मेरी गर्दन अकड़ी ही हुई है। मैं तुम्हें कितना समझाऊं, पर तुम हो कि समझते ही नहीं। पढ़ाई की उम्र में सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और तुम आवारागर्दी करते रहते हो और अब एक नई मुसीबत मोल ले ली। सुन रहे हो? क्या हुआ माँ? जब से मैंने उस तांत्रिक के बारे में सुना है, तब से मैं कितनी घबरा गई हूँ, तुम्हें पता है? ठीक से खाना क्यों नहीं खाते? जोगन बन के आए सवैया, मैं अकेली औरत हूँ जो तुम्हारी फिक्र करती हूँ। सवैया, ऐसी हरकत करके मुझे परेशान करते हो। आज तुम्हारे प्रकाश चाचा की पुण्यतिथि है। तुम अपने मामा के साथ वहाँ जाओ, वहाँ प्रभा पहुँच चुकी होगी। प्रभा, हे। अगर तुम्हारे पिताजी का फोन आया तो मैं उन्हें सब बता दूंगी कि तुम अपने मामा जी के नक्शे कदम पर चल रहे हो। नहीं, मेरे बेटे को कुछ ना हो इसलिए मैं डर गई। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा निशाना तो वो है। जब तक सब कुछ सामान्य नहीं हो जाता हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मैंने एसआई को सब कुछ बता दिया है। मुझे पूछे बिना रवि का केस ओपन नहीं करेगा। अगर खाना हो गया हो तो मेरे साथ चलो। पानी इसमें प्रवाहित करो, एक बार और करो। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप भी जल प्रवाहित करें, इससे उनकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। मामा, ये प्रभा चाची और उमा चाची के पति की मौत तांत्रिक ने की है। तुम यहाँ किसी की पुण्यतिथि में आए हो या कड़े मर्द उखाड़ने? मुझे डर लग रहा है मामा। क्या तांत्रिक की वजह से कोई मर सकता है? सच में तू मेरा भांजाई है ना? जिंदगी में कभी मत डरना, जो डर गया वो मर गया। आंखें बंद करो। क्यों? आंखें बंद करो। कोई जादू करने वाले हो? अपनी आंखें तो बंद करो। तेरी इतनी हिम्मत? ये क्या किया कैसे? हाँ? तुमने इससे फूल कैसे ले लिया? मनिक्यन छोड़ दो, छोड़ दो मनिक्यन। ओम ओम माय मुथप्पा। ए जादूगर! हाँ, अब पूरी तरह से कालिक पुत गई। ए रुक! तुझे मालकिन को परेशान नहीं करना चाहिए। वो मेरी मंगेतर है, तू अपना काम करना। अभी तो सिर्फ बकरा देखा है, अगर काला नाग देखा होता तो क्या होता। प्रभा, प्रकाश की मौत हुए आज कितने साल हो चुके हैं? उसकी मौत नहीं हुई, हत्या हुई है। उसकी मौत को कितने साल हुए हैं ये भी बताना पड़ेगा, और मैं बताऊंगी, पर यह सही वक्त नहीं है। इसे क्या हो गया है? उस खून के बारे में ऐसा क्यों कह रही है? लगता है इसने मानिका को देखा है। आप ये क्या कह रहे हैं मामा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तुमसे पूछा क्या? चुपचाप चले चलो। बड़ी माँ, जब मैं पुण्यतिथि की रस्म निभा रहा था ना, तो मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही थी। बड़े पापा की वजह से ही आपका ये हाल है ना। तुम्हारी माँ ने किसी को नहीं देखा, ना तुम्हारे पिता को, ना तुम्हें, ना मुझे। वो बहुत अच्छी कविता लिखती थी। जब भी मैं उसे कहती कि तुम एक अच्छी कवित्री हो, तो वो हमेशा मेरी गलतियों को सुधारती थी। कहती थी कि मुझे कवित्री नहीं, कला पर मिटने वाली बुलाओ। हमारी माँ के गुजर जाने के बाद मैं ही उसकी माँ बन गई थी, जैसे आज तेरी माँ हूँ। मेरे ही कहने से वो इस दुनिया में फूल और नदियाँ देख पाती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, माणिक्यन भी था जिसने उसे गाना सिखाया था। क्या मीनाक्षी जी, मछलियाँ देख रही है क्या? मछलियों को मैं नहीं देख रही, मछलियाँ मुझे देख रही हैं। इस अंधी को तो ये भी नहीं पता कि मछली कैसी दिखती है। और मेरा नाम क्या है? मीनाक्षी। अरे हाथ क्यों खींच रही हो? इंसान की जिंदगी में कितना भी दुख हो, पर संगीत सारे दुखों को भुला देता है। तो फिर माणिक्य चाचा ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? किसी की जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं होती। हम जैसा समझते हैं वो वैसा नहीं है। तो फिर जैसा ये काशी गांव वाले बोलते हैं, बड़े पापा और प्रकाश चाचा को सीघों और खुरों से किसने मारा? क्या ये सच है कि मास्टर के बेटे को तांत्रिक ने मारा था? हाँ, सब तो यही कहते हैं, लेकिन मास्टर इस बात को नहीं मानते। अरे कृष्णा, ये सही है क्या? अरे छोड़ो ना, आओ मास्टर से पूछते हैं, चलो। हाँ, ये किताब ली है मैंने। हाँ, तो इस किताब को रख दीजिए। इस काशी की कहानी को तुम लोग ना ही सुनो तो बेहतर है। उस घने अंधेरे जंगल में तुम्हारे मामा को जाने की क्या जरूरत थी? 6 महीने तक वो बिस्तर पर पड़े रहे हैं। जो भी करना है उसके लिए हिम्मत चाहिए, पर आज के नौजवान के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ है? आखिर वो बूढ़ा तांत्रिक हमारा क्या बिगाड़ लेगा? कभी कभी हमारी किस्मत साथ देती है, और कभी कभी हमें मुसीबत में डालकर किसी अनचाहे मोड़ पर खड़ा कर देती है। इसीलिए मुझे डर है। वैसे तुम तो माणिक्यन के बारे में क्यों जानना चाहते हो? अब मैं आपको क्या बताऊं? वैसे भी उसके बारे में जानने को है ही क्या। कुछ सालों पहले तक वो गांव वालों को डराता था, और जब डर खत्म होने लगा वो गांव छोड़कर भाग गया और जिंदगी के आखिरी टाइम में वापस आ गया। तुम बच्चे बस इतना ही जानते हो, पर एक वक्त वो भी था जब काशी जैसे कई गाँव पर उसने अपने तंत्र से कब्जा कर रखा था। तुम उसे कम मत आंकना। जब हम कहानी को छोटा देखते हैं ना, तो वो छोटी ही दिखती है। तुमने माणिक्यन से शर्त लगाई है, इसीलिए मुझे शक है कि तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। एक वक्त ये गांव ही नहीं, पूरे जिले पर उसका कब्जा था। एक दौर था जब मैं अंधेरे में घर से बाहर पेशाब करने जाता, तो माँ मुझसे कहती कि बेटा बाहर मत जा, पता नहीं वो तांत्रिक कब किस रूप में तुझे मिल जाएगा। उस वक्त मुझे एक बात समझ में आई कि पता नहीं किस भेष में वो तांत्रिक मेरे सामने आ जाए और मैं कैसे बचूंगा। कुछ वक्त गुजरने के बाद मुझे एहसास हुआ वो तांत्रिक सच है या हमारी जिंदगी मिथ्या है, पर सच तो एक ही है। या तो ब्रह्म में वो तांत्रिक है या उसके ब्रह्म में हम हैं। लेकिन जादू तो जादू ही होता है। वो भी असली जादू। उसे साबित करने के लिए एक तांत्रिक है और स्वीकार करने के लिए हम हैं। मुझे पूरा यकीन है माणिक्यन के दादाजी ने अपनी सारी विद्या उस छोटे माणिक्यन को दी है। हाँ। बड़े माणिक्यन? हाँ, बड़े माणिक्यन। अभी तुम जिस माणिक्यन को देख रहे हो उसके दादाजी। मणिकन के दादा की करतूतें मणिकन के पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उसे पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वो अपनी पत्नी को लेकर कहीं और चले गए। पर मणिकन को उन्होंने दादा के पास ही छोड़ दिया। बड़ा मणिकन उस वक्त अपने बेटे के आगे बहुत गिड़गिड़ाया कि बेटा घर छोड़कर मत जाओ मत जाओ, पर क्या करे वो नहीं माना। पर दादा ने छोटे मणिकन को अपनी सारी विद्या दे दी। दादाजी मुझे डर लगता है, इसे दूर करो। ये सिंह को दूर करो दादाजी। सिली ने कहा और तुम यहाँ चले आए। आ जाओ आ जाओ, मुझे डर लगता है। मेरे पास तो आओ। सबसे पहले तुम्हें डर से लड़ना होगा। इतना ताकतवर बनना है तुम्हें कि यहाँ सब तुमसे कांपे, डरे तुमसे। रोते नहीं मेरे बच्चे। विदेशी है। पिएंगे ना? अरे क्या, ये बता इसे रंगा क्यों गया है? बहुत रंगीन है। कहीं तो कीचड़ का पानी तो नहीं भरलाया इसमें, शैतान कहेंगे। अरे ये कीचड़ नहीं, ब्रांडी कहते हैं। अच्छा। ब्रांडी का रंग ऐसे ही होता है, एक बार अंदर गई तो फिर उठ नहीं पाएंगे। अच्छा, ये ब्रांडी आखिर तू लाया कहाँ से? कोलाची गांव के एक ठाकुर ने दी है। मेरे काम से खुश होकर। मरने से पहले मेरे पोते ने मुझे विदेशी शराब पिलाई। अब अगर मर भी जाऊं तो गम नहीं है। बस बस बस। अरे तो मुझे तो बहुत पी ली। अरे मुझे भी तो थोड़ी पीने दो ब्रांडी। दे मुझे। अरे दे दे बेटा। अरे आपको पता है मैंने ठाकुर का क्या काम किया? अरे बेटा एक घूंट तो पीने दे। अरे बस। बैल के भेस पे उस पे जादू टोना किया मुझे देख के वो घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लग गया, समझे आप? फिर क्या हुआ? जब मुझे लगा कि मेरा काम खत्म हो गया और मैं निकलने लगा, मतलब वहां से जाने लगा, दादाजी आप अपने बच्चे को तो पहचानते हैं ना? मैंने उनका वो हाल किया कि सबके सब पीठ दिखाकर भागे वहां से, पता है? अब आप अपनी आंखें बंद करो और दिमाग में जो भी चल रहा है वो देखो। तुझे मान गया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। पर अब भी तुझे बहुत कुछ सीखना है। मुझ जैसा बनने के लिए अभी तुझे बहुत कुछ सीखना है। जलते हैं आप, पाँव कबर में लटके हैं लेकिन मुझसे जलना नहीं छोड़ेंगे। कैसे ओडियन हो आप? मैं सबसे बड़ा ओडियन हूँ, आप तो बस इतने से छोटे से ओडियन है। अरे दो मुझे ये तंत्र विद्या मैंने ही तुझे सिखाई है। सब सीख के आपसे भी बड़ा ओडियन बन गया हूँ मैं, इसीलिए तो लोग गांव गांव से मुझको बुलाने आते हैं। मुझ पे विश्वास है उनको। अरे आप कुछ भी नहीं है मेरे आगे। आपको आता ही क्या है? कभी बैल बनते, कभी गाय, कभी कुत्ता, कुछ कुछ नहीं आता आपको। अरे पिछले 50 सालों से मैं ये सब करता आया हूँ, समझा। मैं कई बार गेंडा बना हूँ, शेर बना हूँ, मालूम है तुझे। गेंडा बनना जानता है? गेंडा, अरे कभी देखा भी है गेंडा कैसा होता है? काली झूठ बोलते हैं। तू खुद को बहुत बड़ा ओडियन समझता है ना, तो ये बता कितने रूप बना? कोई भी चीज जो चल सकती है, उड़ सकती है, रेंग सकती है, कुछ भी सब बन सकता है माणिक्यन। बाल सफेद होने से कुछ नहीं होता, दिमाग भी होना चाहिए तुम्हारे पास। शैतान कहेगा मेरा बच्चा, पता है तुझे? हा? 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 क्या ये वे चढ़ सकता है तू? ये शराब बहुत चढ़ गई है, उतर जाए फिर दिखाता हूं मैं आपको। दादाजी सो गए लगता है। जब दादाजी की मौत हुई तब उनके चेहरे पर एक जीत की खुशी साफ झलक रही थी। उसी पूर्णिमा की रात जहां एक तरफ माणिक्यन के दादाजी उसे छोड़कर चले गए, वहीं दूसरी तरफ माणिक्यन की सबसे अच्छी दोस्त भी हमेशा के लिए उसे छोड़ गई। उस दिन प्रभा की शादी थी। वो पूर्णिमा की रात एक सपने की तरह गुजर गई। उस पूर्णिमा की रात काशी गांव में माणिक्यन के अलावा कोई और भी शख्स पूरी रात जाग रहा था। उसी गांव में एक तरफा प्यार के नाम पर एक और शख्स माणिक्यन का इंतजार कर रहा था। यही बात कहने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ध्यान से सुनो। देखो, आज रात को ही हम शादी करेंगे, तुम और मैं। आज हम अपनी शादी की खुशियां मनाएंगे। यहाँ तुम्हारी मिलिट्री की दारू नहीं मिलेगी। हाँ? मैं खुद देसी दारू लेकर आऊंगा। आप लोग जा रहे हैं? शाम तक रुक जाइए। दूल्हे राजा को यहाँ रुकने का मन नहीं कर रहा है, सही कहा ना? हाँ, मन तो बहुत कर रहा है। आज शाम आपके साथ जश्न में भी शामिल होना है। रावुनी, मैं जिस तरह यहाँ आकर पी रहा हूँ ना, इसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया, अपनी पत्नी को भी नहीं। अपनी शादी के अगले दिन मैं आपके साथ पी रहा हूँ, ये मेरे लिए खुशी की बात है। तो खुश नसीब है, पर मेरा क्या, तेरी तो शादी हो गई है। क्या हुआ रावुनी भाई? तू एक नंबर का बेवकूफ है। तुझे किस बेवकूफ ने मिलिट्री में भर्ती किया? बताना कैसे भर्ती हुआ? आपकी बातें सुनकर मेरा नशा उतर रहा है। हाँ। जो भी है साफ साफ कहो ना रावुनी भाई। मैं जो कहना चाहता हूँ, हाँ, उसे सुनकर तेरा ही नहीं। हर किसी का नशा उतर जाएगा। हाँ। बड़े भाग्यशाली हो। अब मुझे समझ में आया। हाँ, मैं कई बार इस घर में आ चुका हूँ, सिर्फ उसके खूबसूरत चेहरे की झलक पाने के लिए। वो मेरा कमरे में इंतजार कर रही होगी और मैं यहाँ हूँ। फिर क्या होगा? आगे बोलो। वो मेरा बेचैनी से इंतजार कर रही होगी। अब मुझे जाना चाहिए। ये इंतजार सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है। हाँ? फिर किसका है? उस इंसान का जिसे तुम जानते भी नहीं हो। जाओ दीवार के उस पार देखो, वो वहां नजर आएगा। तुम खुशनसीब हो, पर मेरी तो नींद ही गायब हो गई है। ए, एक प्रकाश क्या हुआ? अरे सिर्फ इतना प्रकाश, हम पर औरतें इतना ही विश्वास करती हैं और ये विश्वास कभी भी टूट जाता है और तुम्हारे जैसे बेवकूफ इसके शिकार होते हैं। ए, मैं एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ, वो उसको पसंद करता है। लेकिन अभी तक उसने उसको छुआ नहीं होगा। कौन? वो हरामखोर तांत्रिक मणिक्यन। उसे दोनों बहनें चाहिए तो क्या बाकी लोग हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देखेंगे? मारना है हमें, उसे ही मारना है। मार डालूंगा, यहाँ से निकलने से पहले मार डालूंगा, मुझे मेरे पिता की कसम। क्या हुआ? किसे मारने की बात कर रहे हैं? आतंकवादियों को? अरे बहुत पी ली है आपने, चलिए अंदर चलिए। बहुत ज्यादा पी ली है आज आपने, अब चुपचाप सो जाइए, सो जाइए। कितनी बार नहीं छोड़ूंगा, सुनते ही नहीं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, आप जो भी कहना है सुबह कहिएगा, अभी सो जाइए। मत हाँ? नहीं दीदी, कोई था यहाँ। नहीं, कोई था। कोई नहीं है यहाँ पर। देखो मैं आ गई ना, अब डरने की कोई बात नहीं। प्रभा, क्या हुआ मीनाक्षी को? इतना शोर क्यों है? आप जाकर सो जाइए, मैं आज मीनू के पास ही सो जाऊंगी। मैं बहुत डर गई थी, रात में मुझे बहुत डर लगता है दीदी, आपको पता है ना। किसी ने मुझे छुआ था दीदी, सच बोल रही हूँ, मुझे महसूस हुआ था दीदी, कोई था यहाँ सच में। कोई बात नहीं, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ, ठीक है? हे भगवान, हे भगवान, तुम हमेशा साथ रहना, मेरी रक्षा करना। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। छी, कितना गंदा दिमाग है तुम्हारा। तुम्हारा सिर्फ शरीर ही काला नहीं है, मन भी काला है। जाओ यहाँ से। मैं इस बारे में प्रकाश को नहीं बताना चाहती, उसका दिल टूट जाएगा। नहीं, तुम मत बताओ, मैं खुद प्रकाश को बताऊंगा कि तुम्हारी बीवी और उसकी बहन किसके साथ अपनी रातें रंगीन करती है। जब वो यहाँ से चला जाएगा तो उसकी सहायता कौन करेगा? क्या? तू कभी नहीं सुधरेगा। तू और तेरी सोच एकदम गिरी हुई। आज के बाद इस कमरे में कभी मत घुसना। अगर घुसा तो तेरा सही इलाज है मेरे पास, काट के फेंक दूंगा तुझे। अगर वो इलाज किया तो अपने पैरों से इस घर की सीढ़ियां कभी नहीं चढ़ पाएगा। इतनी रात को ये तांत्रिक तुम्हारी हिफाजत करेगा, मैंने सोचा भी नहीं। एक मिनट रुक, कभी बताता हूँ। मालकिन आप चुप हो जाइए, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। अब एक घलूटे भाग। जब ये लोग पीते पीते बातें कर रहे थे तभी मुझे इनके ऊपर शक हो गया था। मालकिन आप जाकर सो जाइए, मैं यहीं रुकता हूं। ऐसे क्या देख रहे हो? लग रहा है जैसे तुमने पहले कभी बैल देखा ही नहीं। मैं देख रहा हूँ कि इनमें से कोई मानिक्य तो नहीं है ना? बड़ी माँ, आपने कभी उसे वेश बदलते देखा है क्या? नहीं, कभी नहीं। सुनो, लेकिन मानिक्य ने मेरे लिए एक बार वेश धारण किया था, हिरण का वेश। मीनाक्षी रोना बंद करो, क्यों रो रही हो तुम? मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? तुम डरो मत। माणिक्य, क्या हुआ मालकिन? मेरे लिए जादू करना है, करोगे ना? और कोई रास्ता भी नहीं है। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मीनाक्षी भी बहुत डरी हुई है। वो जब भी यहाँ आता है उसकी गंदी नजरों से डर लगता है। अभी मीनाक्षी बच्ची है, काफी परेशान है। माणिक्य, तुम जानते हो कि हमने मीनाक्षी की परवरिश कितनी मुश्किलों को झेल कर की है। तुम ही हमें इससे छुटकारा दिला सकते हो। उसे सिर्फ डराना चाहती हूँ। बताओ, तंत्र मंत्र के लिए क्या चाहिए? मालकिन, आप अंदर जाकर पान का पत्ता, सुपारी और एक सिक्का ले आइए। रावणी को डराने के लिए मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आपके लिए मैं ये काम मुफ्त में करूंगा। मैं सिर्फ उसे डराऊंगा ही नहीं, कुछ और भी करूंगा। पर तुम इस काम के लिए पैसे क्यों नहीं लोगे? स्कूल के समय से आपके बहुत एहसान है मेरे ऊपर। आज मौका आया है, सोचता हूँ आज मैं वो एहसान चुका दूं। आपने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। वो दोनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। एक और भी काम करना था, पर पहले ये वाला। अब आप जाइए और वो सामान लाइए। क्या मेरे साथ ये खेल मत खेल। मुझे पता है इनमें से एक तू है। अगर मर्दानगी दिखाने का इतना ही शौक है तो मेरे सामने आ। तुम पर मुझे तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं है। रावनी, इसे पियो। माँ जी। हाँ बेटी। तो क्या कहा डॉक्टर ने प्रकाश से? इसी तरह आराम करने के लिए कहा है क्या? हाँ, कम से कम 6 महीने करना होगा। हाँ, तभी तो। मुझे लगता है किसी ने जादू टोना किया है इन पर। मैंने सुना है अगर किसी पर जादू हो जाए तो वो 1 साल तक बिस्तर से उठ नहीं पाता। और मुझे नहीं लगता कि माणिक्य ऐसा कर सकता है। तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद मेरा भी यहाँ मन नहीं लग रहा था माणिक्यन। मुझे लगता है कि मैं अधूरा सा हो गया। जब भी मैं अपनी दुकान बंद करके पीने के लिए यहाँ आता था तो हमेशा तुम्हारे लिए एक पैक जरूर बनाता था, पर तुम नहीं होते। ऐसा करते हुए आज मुझे 15 साल हो गए माणिक्यन। उस नायर का घमंड जब टूटा तो मुझे बड़ा आनंद आया। तुम्हें भी उस वक्त यहाँ होना चाहिए था। जब तुम यहाँ से गए थे तब वो कुछ और था, पर अब वो बिजनेसमैन हो गया। थिएटर, बसेस, पेट्रोल पंप के साथ उसका घमंड भी आज बहुत बढ़ गया। उसके पास सब कुछ है पर एक चीज नहीं है, हिम्मत। तुम पियो ना। तुम प्रभा से मिले? उस दिन प्रकाश की पुण्यतिथि थी। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। मानिक्यन, मैं जब अकेले पीते था तो इतना मजा नहीं आता था, पर तुम्हारे साथ पीने का कुछ अलग ही मजा है। चले गया? नहीं, तुम जाओ। काफी वक्त बीत गया इस गांव में अकेले घूमे हुए। ठीक है, तुम जाओ, मैं चलता हूँ। पता नहीं आजकल क्या हो गया, इतना भी पियो पर नशा नहीं होता। अच्छा लगता है 2 पेग और पीऊं तो नशा होगा। आवाज नहीं आ रहा क्या? चलो आज का रावनी भाई, 4 दिन बाद मुझे यहाँ से निकलना है। बस कर। पर आप सभी को छोड़कर जाते हुए बड़ा दुख होता है। हम लोगों को नहीं, उसे। क्यों नहीं? नई नई शादी जो हुई है। आज कुछ अलग करना पड़ेगा। प्रकाश, रावनी, अंदर जाके कहता हूँ। प्रकाश, रावनी, रावनी, वो देखो माणिक्यन आ गया है। प्रकाश, आज इसे सबक सिखाए बगैर जाने नहीं देंगे। तुम्हें कुछ चाहिए? चाय ये लो, पियो। तुम काम पर जाकर आखिर करोगे क्या? दिन में ड्यूटी करोगे, रात को शराब पियोगे। आज इस तांत्रिक का काम तमाम कर दो। इसे खुलेआम छोड़ना ठीक नहीं होगा। वैसे भी ये तुम्हारा अपना मामला है, इसे तुम्हें खुद निपटाना होगा। जाकर उसे मार दो। जाओ, तुम भी जाओ। रावनी भाई, आप रुकिए। इस नमूने को तो हम दोनों ही देख लेंगे भाई। इसे सबक सिखाने के लिए ये अकेला ही काफी है। जा रहे। आज तेरा ये खेल खत्म कर दूंगा। दोबारा तेरी ये घटिया हरकत मैं इस गांव में नहीं चलने दूंगा। मैं जो करता हूँ उसके लिए मुझे मेडल मिलता है, तुम्हें क्या मिलता है? प्रकाश भाई क्यों उसे इस तरह मार रहे हो? प्रकाश भाई रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। प्रकाश भाई क्या बात है, हमें बताओगे क्यों इस तरह से मारा मारी कर रहे हो? क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? प्रकाश का दर्द तुम नहीं समझोगे दामोदर। इसे छोड़ दो, मैं जानता हूँ ये अपना बदला खुद लेगा। छोड़ो मुझे। हाथ की रेखाएं देख रहे हो? ठीक से देखो, कहीं ये तुम्हारे चेहरे पर न छप जाए। जाओ और घर जाके आराम करो। अगर तुमने सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया तो सर मालकिन का झुकेगा। क्यों रे, तू कौन होता है मालकिन की फिक्र करने वाला? हा? आज से काम पे आने की जरूरत नहीं, निकलो। चलो। है प्रकाश, तोप उठाने वाला हाथ है ये, यहां से खाली हाथ मत जाना। उसे खत्म करके ही जाना। देखो ये तुम्हारे हाथ हैं, इन्हें काबू में रखो, दूसरों के बहकावे में मत आओ। अब भी कहता हूं सुधर जाओ, वरना तुम्हें नतीजा भुगतना पड़ेगा। मेरे अंदर के ओडियन को जगाओ मत। दरअसल तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूं, क्या कर सकता हूं। अगर तुम लोग बचे हो तो उसकी वजह से। ओए, जरा जल्दी चढ़। चढ़ रहा हूँ भाई। क्या हुआ, क्या हुआ? हा? बहुत अच्छी लग रही हो। 3 दिन बाद मुझे यहाँ से जाना है, तुमको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। जानती हूँ, वरना चौथे दिन वो आपको यहाँ से उठाकर ले जाएंगे। पर ये मत भूलिए कि आप भी मिलिट्री वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ मेरे साथ चलो। तुम आओगी तो अच्छा रहेगा। तुम अपनी स्कूल से छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? अगर मैं वहाँ आई तो आप काम पर कम और मुझ पर ज्यादा ध्यान देंगे, इसलिए मैं वहाँ नहीं आऊँगी। ये तांत्रिक यहाँ क्या करता रहता है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इसे यहाँ ना बुलाया करो। आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? सिर्फ यही नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी से ये सब यही काम करते आ रहे हैं। और वो तांत्रिक है तो क्या हुआ, हमें तो उससे कोई तकलीफ नहीं है ना। उल्टा मुझे तो उस पर पूरा भरोसा है, वो कभी गलत नहीं करेगा। मैं जब भी इस तांत्रिक की बात करता हूँ तुम उसकी बहुत तारीफ करती हो, ऐसा क्यों? इस घर का काम करने के लिए पूरे गांव में तुम्हें सिर्फ यही तांत्रिक मिला क्या? इतना बड़ा गांव है, इतने सारे लोग हैं। ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा, पूरा गांव कहता है कि वो तांत्रिक सही इंसान नहीं है इस घर के लिए। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने सुनी है। क्या सुना है आपने? आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? चलो जाने दो इस बात को। साफ साफ बोलिए ना। बस यही फालतू की बकवास, अब जाने भी दो ना। नहीं, मुझे सुनना है, मुझे अभी ही सुनना है। बताइए, अगर ऐसी कोई बात है तो हम अभी माणिक्य से पूछ लेते हैं। अब जाने भी दो ना, तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो। ठीक है, मैं स्कूल जा रही हूँ, दोपहर में मिलते हैं। ठीक है। बाहर आओ। जाने से पहले थोड़ा जादू हमें भी दिखा दो। हाथी बनकर दिखाऊं क्या? नहीं नहीं, हाथी नहीं, तुम अपने साइज का कोई छोटा मोटा नमूना दिखाओ। मैंने तुम्हारे बारे में इन सबको बता दिया है कि तू एक नंबर का कलाकार है, तुझे तो जादू दिखाना ही पड़ेगा। क्यों? बिल्कुल। इधर आओ। हवलदार साहब, जादू टोना करने के लिए हर समय ठीक नहीं होता। हाँ? उसके लिए घना अंधेरा चाहिए और उसके बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए। अगर आपको जादू देखने का शौक है तो आने वाली अमावस्या की रात अगर और भी कोई देखना चाहता है तो उसको लेकर गांव में जहां धान की खेती होती आ जाइएगा, दिखा दूंगा। क्योंकि आप पुलिस के बड़े अफसर हैं, इसलिए मेरी तरफ से आपके लिए खास जादू। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गए। डंडा? मेरा डंडा पकड़िए। ऐसा ही आ रहे? हाँ। अरे माणिक्यन आ गया। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे माणिक्यन, पुलिस ने तुम्हें मारा तो नहीं ना? हाँ, नहीं। पोस्टमार्टम में साफ साफ साबित हुआ है कि प्रकाश की मौत हार्ट अटैक से हुई है। फिर इन लोगों ने तुम्हें क्यों पकड़ा यार? उन्हें शक है कि उस हादसे के बाद बदला लेने की भावना से मैंने प्रकाश को मार दिया। माणिक्यन, तुम्हें संभल कर रहना होगा क्योंकि प्रकाश की मौत के पीछे एक इंसान पर शक है। मालकिन के ऊपर भी? आप लोग जाइए, मुझे किसी से मिलना है। माणिक्यन, यही तुम्हारा हिफाजत करने का तरीका है? मैंने सुना कि तुमने पूरे गांव के सामने प्रकाश को पीटा था और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। मुझे लगा तुमने सिर्फ उसे डरा ही होगा, पर तुमने तो उसे मार दिया। तुमने हम दोनों बहनों को अनाथ बना दिया। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था बताओ? पुलिस, डॉक्टर और गांव वाले भी आकर मुझसे कहेंगे तब भी मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है। मेरी एक बात सुन लो माणिक्य, जब भी तुम अपने जादू से किसी को मारते हो तो सिर्फ वो एक इंसान नहीं मरता। मैंने नहीं किया। चले जाओ यहाँ से। मैंने नहीं किया। आप सोच भी सकती हैं मैं ऐसा कर सकता हूँ? एक बेगुनाह पर ये इल्जाम मत लगाइए। मैंने ऐसा नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैं कह रहा हूं ना। अरे मानिक्यम, क्या हुआ? कहाँ चले गए थे? यहाँ क्यों सो रहे हो? चलो हमारे साथ। तुम्हें पाउडर चाहिए? मैंने सुना तुम आ चुके हो, पर तुम यहां आओगे ये उम्मीद नहीं की थी मैंने। तुम बिना बुलाए आ गए, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं बस निकल ही रहा था जब तुम जगह जगह छुपकर कैसे कैसे वेश में घूम रहे थे। मुझे नहीं पता, मन में एक बात बार बार उठ रही है। बुरा ना मानो तो पूछूं, तांत्रिक को हिंदी में क्या कहते हैं? थोड़ा मुस्कुराओगे नहीं? पहले तो तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान दिखती थी, लेकिन अब नहीं। तुमने जाने में कम समय लिया, लेकिन लौटने में इतना समय लग गया। अच्छी बात है, ठीक है। तुम जैसे यहां से गए थे वैसे आए नहीं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तुम्हें यहां से गए कितने साल हो गए? 15 साल। रवि को मरे भी 15 साल हो गए। चलता हूं। रवि ने कहा प्रभात टीचर मैं आपसे घर पर आकर मिलूं, पर वो नहीं चाहता था कि इसके बारे में किसी को पता चले। मैं सिर्फ उसी के बारे में बात करने आया हूं। आप कहना क्या चाहते हैं मास्टर साहब? कोई जरूरी बात है क्या? वैसे रवि भी स्कूल में टीचर है, फिर भी कोई बात तो है जो वो आपसे कहने में हिचकिचा रहा था। घुमा फिरा कर मत बोलिए, साफ साफ बताइए ना। हम चाहते हैं कि रवि और मीनाक्षी की शादी हो जाए। मुर्गी बाहर नहीं, मुर्गी के बच्चे। मास्टर जी, ये शादी हम उस पर तरस खाकर कर रहे हैं। ये बात अपने दिमाग में कभी मत लाना, नहीं, ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि रवि उससे बेइंतहा प्यार करता है। जब उसने मुझसे ये कहा तभी मैंने उसकी आंखों में उसके इस प्रेम को देखा। अगर तुम हाँ कर दो तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। और एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जब उसके दिल में ये प्यार जागा तो उसने सबसे पहले मानिक्यन को बताया। वो तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है, तुम्हारा जवाब सुनने के लिए वो उतावला हो रहा है, पर यहां आकर तुमसे नजरें मिलाने की हिम्मत उसमें नहीं है। मास्टर जी, बात नहीं। मुर्गी क्या कर रही थी? मुर्गी के बच्चे दाना चुग रहे थे। मुर्गी के बच्चे दाना चुग रहे थे। उसकी माँ उसे देख रही थी। उसकी माँ उसे देख रही थी। मुर्गी के बच्चे दाना चुग रहे थे। मुर्गी के बच्चे दाना चुग रहे थे। एक बाज ने उन्हें देखा। एक बाज ने उन्हें देखा। और कौवे ने भी देखा। और कौवे ने भी देखा। तुम अपने बड़ों को लेकर मेरे घर आ जाओ। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। किसी अच्छे से पंडित को दिखा दो और मुहूर्त निकलवा लो। आप अपनी बात रखिए। आइए आइए, नमस्कार, बैठिए। आइए। हमारे गांव में बिजली की बहुत जरूरत है। हमें किसी भी हाल में बिजली चाहिए। हमारे आसपास के सभी गांवों में काफी समय पहले बिजली आ चुकी है और इसीलिए हमें भी चाहिए। अंधेरे की वजह से किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंधेरे का फायदा उठाकर कोई किसी को मार भी सकता है। इसलिए हम इस अंधेरे को दूर करना चाहते हैं। दीदी, इस गांव में बिजली लाने के लिए हम सब आपका साथ देंगे। हाँ बिल्कुल। इतनी जल्दबाजी मत करो रवि। अगर इस गांव में बिजली आ गई तो तुम्हारे तांत्रिक को परेशानी होगी। तुम उससे तंत्र विद्या तो नहीं सीख रहे हो ना? बीच में अपनी टांग मत अड़ाओ। क्यों सरपंच जी? प्रभा जी कह तो सही रही है, पर वो काम इतना आसान नहीं है। काफी पैसे चाहिए, खंभे खरीदने होंगे, फिर उन्हें गाड़ने के लिए जगह ढूंढनी होगी। अब ये सब कुछ संभव हो पाएगा क्या, ये सोचिए। तुम्हारे चाहने से नहीं, पर मेरे चाहने से हो सकता है। मैं सारा पैसा खर्च करूंगा, अगर तुम हाँ कह दो तो। कितना पैसा चाहिए, कितने खंबे खरीदने हैं और कहाँ कहाँ लगाना है, बोलो। मैं अभी के अभी लिख कर देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये हुई ना बात। अच्छे से करना, नहीं तो दूसरे गांव से लोगों को बुलाऊंगा। मानिक्या, लगता है अब काशी गांव में बिजली आ जाएगी। देखो खंभों पर तार लगाए जा रहे हैं। ये तार मुझे फंसाने के लिए बिछाए जा रहे हैं। मैं इस गांव का नहीं हूँ, हाँ। पर जब से मैं यहाँ आया हूँ आपके बारे में काफी सुनने को मिला है। सुनिए, इस गांव में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके तांत्रिक विद्या को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ओ, तुम बड़े दिनों के बाद देखे। हाँ, इतने बड़े घर के दामाद जो बन गए हो। मैं सच कह रहा हूँ ना? ऐसा नहीं है। जानता हूँ कि मालकिन पुरानी बातों को भूल चुकी हैं, लेकिन इतने दिनों के बाद मैं नहीं भूला। हर कोई एक जैसा नहीं। मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था माणिक्यन। हाँ, गांव में बिजली लाना कोई हंसी खेल थोड़ी ना होता है। अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ किसी और काम से आया हूँ। पिताजी को बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वो मीनाक्षी गर्व से है। इतनी जल्दी? हे भगवान, सदा खुश रहो। हाँ लाओ दो, शुरू करूँ? इसी खुशी में चाय पी लो सब लोग। ये लो, ये लीजिए। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब हम अंधेरे में नहीं रहेंगे। अरे शाम के वक्त इस अंधी लड़की को लेकर कहाँ जा रहे हो? हा? इतनी सुनसान जगह है, इस तरह किसी ने इसे यहाँ देख लिया तो कुछ भी हो सकता है। अरे भाई, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। इधर अच्छे इंसान नहीं रहते हैं, तुम्हें पता है ना। कहीं माँ और बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। देखो, अंधेरा होने से पहले घर चले जाना। मेरी बात का बुरा मत मानना, आप एक बड़े भाई जैसे हैं, फिर भी इसके सामने ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं समझता था कि आप समझदार हैं, अब समझ गया ऐसा कुछ नहीं है। चलिए हम चलते हैं। परेशान करने के लिए लोग कहीं से भी आ जाते हैं। जाओ जाओ, मैं जानता हूँ तुम कैसी औरत हो। तुम उस तांत्रिक के भरोसे जा रही हो ना? वो तांत्रिक तुम्हारा पेट फाड़कर अंदर के बच्चे को निकालकर वो तंत्र मंत्र करेगा, इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर रवि, तुम जरा संभल कर रहना। बड़े भाई के नाते समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। कहीं प्रकाश की तरह तुम्हारे साथ भी कोई हादसा ना हो जाए। नहीं, रुक जाइए, उसके मुंह मत लगिए। वो बात करने के लायक भी नहीं है, दुष्ट है। इस आदमी की नीयत शुरू से ही ठीक नहीं थी। इसकी नजर हम दोनों पर थी। ये प्रभा दीदी से शादी करना चाहता था और मुझे भी अपने साथ रखना चाहता था। ऐसे आदमी की बातें क्या सुननी। आप उसकी बातें मत सुनिए, सीधे चलिए। तांत्रिक की तरफदारी करने का इनाम तुम्हें तो मिलेगा ही। बड़ी आई तांत्रिक की तरफदारी करने। अरे जाने दीजिए, रुकिए। किसी की भी बकवास नहीं सुननी चाहिए, चाहे वो जो भी हो। मैं भी ऐसा ही करूँगा। अब से मैं तुम्हें नाम से बुलाऊंगा। सो मिस्टर रावुन्नी नायर, माणिक्यन का शक बिल्कुल सही है। प्रकाश की हत्या की गई थी और मुझे यकीन है कि वो किसने की थी। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तुम्हारा अंत आने वाला है। जैसे कि तुम कहते हो ना, एक ब्लैक राउंड जीरो। यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। लगता है मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा प्यारे। चल अकेला है, अरे चल अकेला, 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 तेरा मेला पीछे छूटा। हे भगवान, हे भगवान, चलो थोड़ा हल्का हो देता हूँ। मैं उस ज्योतिषी से बात नहीं करूँगा। अगर तुम नहीं करोगे तो क्या मैं करूँगा? अरे आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? पौधे को पानी दे रहा है। देखने के लिए टिकट की लाइन में खड़ा हूँ। जरा हल्का भी नहीं होने देते ये। मैं तो कहीं पहुंचा ही नहीं। यहाँ जमीन पर लेट कर क्या कर रहे हो? अरे रुको, मेरी मदद करो। अरे कोई तो रुको। भगवान मुझे बचा लो, आज बचा लो। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान की अर्पण सागर, जय हनुमान की अर्पण सागर। पहुंच गया, पहुंच गया। नारायणी, नारायणी, अरे नारायणी सुन जरा। नारायणी, मैं वापस आ गया हूं। क्या हुआ? आओ, तुम्हारी हरकतों को रोकने के लिए गांव में बिजली लगाया गया है। देखो भाई, तुम्हें चारा बनाकर उस तांत्रिक को मैंने ही बुलाया है, लेकिन वो बच गया। दूसरी बार नहीं बचा। क्या कह रहे? जानबूझकर आपने मुझे मौत के मुंह में डाल दिया। ढूंढो उसे। जाओ, चलो चलो रे, ढूंढो। मैं यही रहूंगा। देख रहे हैं, गांव में बिजली होने का कोई फायदा नहीं। वो तांत्रिक अपनी हरकतों से बाजी नहीं आ रहा। हम गांव में बिजली तो ले आए लेकिन तांत्रिक को नहीं रोक पाए। डंके की चोट पे आया था वो। तीसरी बार वो सारे बल्ब फोड़ चुका है। अगर इसी तरह चलता रहा तो क्या होगा इस गांव का, उसे समझाना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं मानता है तो हमें मजबूर होकर पुलिस से उसकी शिकायत करनी पड़ेगी। जाओ पुलिस में कम्प्लेन करो, देखता हूँ पुलिस उसका क्या उखाड़ लेती है। लेकिन हम पुलिस के पास क्यों जाए, बताओ? ये हमारे गाँव का मामला है। क्यों नायर, क्या कहते हो? अरे किसमें इतनी हिम्मत है? हाँ आया। इस बारे में तो दामोदर ही बात कर सकता है, मैं उससे बात करूंगा। वो दोनों तो दोस्त है ना। अरे दामोदर क्या बात करेगा उससे? अरे हाँ, इसकी भी तो बातें मानता है वो। ये क्यों नहीं जाता है बात करने? मैं कोशिश करूंगा। हाँ? मैं कोशिश ही कर सकता हूँ। डरो मत मेरे बच्चे। इतनी कड़कती बिजली और बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही है क्या? लगता है रवि को आने में देर हो जाएगी। तुम यहाँ कब तक बैठकर उसका इंतजार करती रहोगी? चलो सो जाओ। थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ दीदी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे कुछ पेपर्स चेक करने हैं। कहाँ है आप, बताइए ना। कहाँ है आप? सुनिए ना। बोलिए ना मीनाक्षी, ये कैसी आवाज थी? हे भगवान, रवि! 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 हे भगवान, किसने किया ये? रवि! रवि! मीनाक्षी नहीं, मीनाक्षी! पहले मुझे तांत्रिक पर ही शक था, लेकिन उसका कहना है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ था वो पड़ोस के गांव में गया था। मुझे तो लगता है झूठ बोल रहा है। वैसे वो अपने साथ 2 गवाही भी पुलिस स्टेशन में लेकर गया था। देखिए, ये सब कुछ उस तांत्रिक की माया है। वो वहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। वो वहाँ जादू कर सकता है और यहाँ टोना कर सकता है। वहाँ बैठकर वो ब्रांडी पी सकता है, यहाँ बैठकर देशी पिएगा। एक बात पक्की है, वो पुलिस वालों से तो बच गया है, लेकिन इसके ऊपर भी एक अदालत है। वो वहाँ बैठकर सब देखता है। हाँ, आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक ना एक दिन उसे सजा जरूर मिलेगी, देख लेना। ये गोपी उसकी बहुत मदद करना है, ऐसे में हम भी क्या कर सकते हैं? आप ही बताइए। ये तो सबकी इज्जत का जनाजा निकाल देता है, ऐसे में कोई क्या करे? जोगा न बनेंगे। उस तांत्रिक का साथ देकर बाप और बेटे दोनों मुसीबत में हैं। झेलने दो, उसे मरने दो भाई। हमें उस तांत्रिक को जिंदा जलाना होगा। उसके जलने के बाद उसकी राख भी नहीं बचना चाहिए। मैंने उन दोनों को अपने हाथों से नहीं बल्कि सींग से मारा था। आज रात में उसके घर को आग लगा दो, समझ गए? ये क्या मीनाक्षी, भूखे रहने से क्या होगा? कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। अब इतने बड़े घर को चलाने वाली दो विधवा औरतें हैं। जिस दिन रवि की मौत हुई थी उस दिन मीनाक्षी ने घर की दहलीज को पार किया था। तब से लेकर आज तक मीनाक्षी ने घर में अपना कदम नहीं रखा, ना किसी से बात की। खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। कई दिनों के बाद एक दिन वो बाहर आई, यानी रवि की मौत के 14 दिनों के बाद। मीनाक्षी, कहाँ जा रही हो? मुझे मनिक्यम से मिलना है, अभी के अभी। आप मुझे वहां ले चलेंगी? क्यों मिलना चाहती हो उससे? आप नहीं ले चलेंगी तो मैं खुद चली जाऊंगी। मीनू, संभल कर। दिनों बाद मैंने आज घर से बाहर कदम रखा है मनिक्यम, तुमसे मिलने के लिए। मुझे बस इतना बता दो, क्या तुम्हें अपनी तंत्र विद्या के लिए मेरी कोख की जरूरत है क्या, जो भी हो सच सच बताना। जवाब दो मनिक्यम, जवाब दो। छुओ मत इसे। आंखों के साथ साथ अब तुम इसके दिल की रोशनी भी छीनना चाहते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? प्रकाश को तो तुमने मार दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर रवि की जान भी ले ली। तुम खुद अंधेरा हो, गहरा अंधेरा। जो जीना चाहता है उसकी जिंदगी में अंधेरा करने वाले एक राक्षस हो तुम। मैं जादू टोना करता हूँ, लोगों को डराता भी हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी भी किसी को नहीं मारा। मैंने कुछ नहीं किया, पहले भी, आज भी, और हमेशा यही कहूंगा कि वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ। बस बहुत हो गया दादा, लोगों को जादू टोना दिखाते दिखाते मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मैंने किसी को भी नहीं मारा दादा, ये सच सिर्फ आपको ही पता है। एक न एक दिन ये गांव वाले भी समझेंगे, लेकिन तब तक देर हो जाएगी। न जाने कितनी पीढ़ियों का पाप मैं अपने कंधों पर झेल रहा हूं। शायद इसी से बचने के लिए मेरे पिता इस गांव से भाग गए थे। अब मैं भी यहां से जा रहा हूं दादा, अपनी सारी कलाओं का यहां समर्पण करते हुए। कोई छोटा मोटा काम मिल जाएगा मुझे यहाँ? बेरोजगार हूँ तो भूखों रहना पड़ता है। कहीं मर मरा गया तो परिवार का क्या होगा? काम मिलेगा क्यों नहीं? इतने सालों से जो अधूरा काम छोड़ा है वो कौन करेगा? यहाँ का माहौल देख रहे हो, बिना बताए यहाँ से चले गए थे। अब क्या हुआ? जहाँ गए थे क्या वहाँ भी जादू टोना ही कर रहे थे? कहाँ रहे इतने सालों तक? मैं एक जगह नहीं ठहर सकता, भटकता रहता हूँ। बहुत से मंदिरों में पूजा की, पवित्र नदियों में नहाया, भिक्षा भी मांगी। इन सब से क्या मिला? कुछ भी नहीं। जिस तरह छोड़ के गया था बिल्कुल वैसे ही वापस आ गया। ये दुआ मांगते हुए कि कोई मुझे देख न ले, अंधेरी रात में वापस आया। मन में छटपटाहट अभी भी बिल्कुल वैसी है। इसी छटपटाहट की वजह से कभी चैन से सो नहीं पाया। जानवरों के वो पैर अभी भी दिखते हैं। इसी खोज में भटकता रहा कि अपनी इस बेचैनी का जवाब मिल जाए। मालकिन, मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा। जवाब मिला भी तो उस खून का जो मैंने नहीं किया। मैं शापित हो गया अपने कला की वजह से। मिला तो सिर्फ रात के अंधेरे। मुझे किसी ने भी बख्शा नहीं। आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया? अपने विषय में क्या बताऊं तुम्हें? बहुत रो चुकी। बाल भी सफेद हो गए। उस बच्चे की परवरिश कर रही हूं और कुछ नहीं। बस कभी कभी बचपन की बातें याद आ जाती हैं। वो घाघरा चोली पहनकर स्कूल जाना। मुझे तुम पर शक था और उस शक की वजह से तुम पर गुस्सा आता था। वो सब बातें मैं कैसे भूल सकती हूँ? अब तो मेरी जिंदगी में सिर्फ डर ही है। कभी कभी सोचती हूँ कि मैंने तुम पर कितना शक किया, कितना गुस्सा किया, कितनी गलत थी मैं। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ डर ही रह गया है। मैं सब जानता हूँ। रूपमणि ने मुझे सब कुछ बताया। रूपमणि? वो तुम्हें कहाँ मिल गई? वो तो गांव छोड़कर चली गई थी। वाराणसी। मानिक्यम, मैं तुमसे पहले भी कई बार मिली, लेकिन तुमने मुझसे कभी बात ही नहीं की। उस काशी गांव के लोग मुझे रूपमणि कत्यार के नाम से जानते हैं और उसी नाम से बुलाते भी हैं। पहले मुझे इस बात से बहुत खुशी होती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हो गया कि मैं उसकी कभी नहीं हो सकती। वो अपने नाम के साथ बस एक ही नाम जोड़ना चाहता था और वो नाम था प्रभा का। वो जब भी नशे में घर आता था मुझे प्रभा के नाम से पुकारता था। फिर भी मैं सब कुछ बर्दाश्त करके उसके साथ किसी भी तरह से जी रही थी, पर एक वक्त मैं ऐसा करके थक गई। लगता है तुम्हें ठंड लग रही है। अगर बुरा न लगे तो। मैं बुरा क्यों मानूंगी? वो रावणी अक्सर मेरे घर आता। जब अपना सीना चौड़ा करके वो आता तो उसके आने से मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुआ करती थी। वो रोज मेरे घर आता था, लेकिन उस 2 दिन को छोड़कर। कौन से 2 दिन? जब 2 लोग मरे थे। ये बात उसने खुद कबूल किया था कि उसी ने दोनों को मारा था। मैं एक कातिल के साथ कैसे रहती? मैंने उन दोनों को अपने हाथों से नहीं, सींग से मारा था, क्योंकि मैं जिसके लिए दिन रात जलता रहता हूं जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, उसका नाम है प्रभा। लेकिन उसे भी तैयार होना चाहिए ना, उसने आपको कभी उस नजर से नहीं देखा। मुझे अपने हाथों पर यकीन नहीं कि अगली मौत किसकी होने वाली है, तुम्हारी या उसकी। हाँ? उसी के डर से मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ चली आई। अब मैं वापस कभी नहीं जाऊंगी। यही सोचा था कि काशी के किसी आश्रम में भगवान शिव की अर्चना में लीन हो जाऊंगी, लेकिन भगवान की कुछ और ही मर्जी थी और यहाँ तुम मिल गए। गांव छोड़ने से ठीक पहले मैं प्रभा से मिली थी। मैंने उसे सब बता दिया। वो बहुत डर गई थी, बेचारी मीनाक्षी। उसने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया। इतना कुछ सहने के बाद प्रभा हिम्मत से मुकाबला कर रही है, इसकी एक वजह है और मैं जानती हूँ क्या। मानिक्यन, तुम्हें वापस जाना होगा। अगर देर की तो उस घर में कोई भी नहीं बचेगा। मैं वहां और नहीं रह पाया। इसके बाद मालकिन, आप उसके सामने सर मत झुकाइएगा, खामोश भी मत रहिएगा। आपकी रक्षा करने के लिए अब मैं यहीं पर रहूंगा जब तक आपको मेरी जरूरत रहेगी। इस घर की रक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है। पानी पीना चाहोगे? ठीक है, अंदर आ जाओ। हाँ। तुमसे मिलने के बहाने ये बाहर है। कितने सालों से इसने खुद को उस कमरे में बंद कर रखा था। कई सालों से इसने डिलीवरी भी उसी कमरे में करवाई थी, और तो और इसने अपने बच्चे को भी नहीं देखा। प्रकाश की और रवि की मौत के लिए मैंने भी औरों की तरह तुम पर ही इल्जाम लगाया, लेकिन ये यही थी जिसने कभी तुम पर शक नहीं किया। इसे पूरा विश्वास था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अंधी होने के बावजूद इसे सच का एहसास हो गया था। हाँ? सुना है कि आजकल तुम पैसे कमाने लगे हो, गांव वालों को लूट रहे हो। मैं किसी को लूट नहीं रहा, काफी कमा लेता हूँ। वो ठाकुर अभी भी अस्पताल में पड़ा हुआ है, सहमा हुआ पड़ा है। अरे वाह, किसी को डराने के बाद तुम्हारा चेहरा कैसे खिल उठता है, देखो तो। इस बार कौन सा वेश धारण किया? अब अरे जाने दीजिए मालकिन। ऐसे कैसे जाने दूं? मेरी एक इच्छा है कि मैं तुम्हें किसी वेश में देखूं। बचा लेना दादा, पहली बार किसी ने मुझे वेश बदलते देखने की इच्छा की है। मना करूंगी तो कैसे? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कौन सा वेश धारण करूं? हिरन, और वो भी काला। अरे हिरन? मुझे उसका वेश धरना नहीं आता, कुछ जरूरी काम करने मुझे करके आता हूँ मैं। अच्छा, तो यही है तुम्हारी तंत्र विद्या, बेवकूफ बनाते हो। ऐसी बात नहीं है, अमावस्या के दिन दिखाऊंगा, जब अमावस्या आएगी तब दिखाऊंगा। हाँ नहीं, मुझे आज ही देखना है। आज? ठीक है, दिखा दूंगा। आज रात को? मतलब आज रात नहीं, कल रात में, जब आखिरी बस चली जाएगी तब उस तालाब के पास आ जाना। अगर मैं तुम्हें अपने रिश्ते के बारे में बताऊंगी तो तुम समझ नहीं पाओगे, और वैसे भी हमारे बीच के प्यार को मैं ही नहीं समझ पाई हूँ। फिर भी जैसे हर लड़की लड़के से पूछती है, मैंने भी उससे पूछ लिया क्या मैं उसे पसंद हूँ। फिर उसने पूछा कि मैं किस पसंद की बात कर रही हूँ। सच कहूँ, मुझे भी नहीं पता था कि मैं उसे क्या जवाब दूँ। मालकिन, रात का अंधेरा ही मेरी जिंदगी है। जब सब लोग सो जाते हैं मैं पूरे गाँव में भटकता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओडियन की तरह नहीं, बाकी सब की तरह दो पैरों पर। ऐसी बात नहीं कि कोई ध्यान रखने वाला नहीं है तो नींद नहीं आती और इसलिए मैं रातों को इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हो जाता हूं, ये बात नहीं है। इस तरह इधर उधर भटकते हुए पहाड़ों के ऊपर एक तरफ कोने में मुझे एक छोटा सा चिराग जलता हुआ दिखाई देता है। मुझे लगता है कि उस चिराग का हाल भी बिल्कुल मेरी तरह है, उसे भी मेरी तरह नींद नहीं आती है। दो ऐसे लोग जो रातों में जागते हैं। जरूर दोनों में कोई संबंध होगा, सोचता हूं। जब सब सोते हैं तो ये दोनों जागते क्यों हैं? बस यही ख्याल मुझे हमेशा परेशान करता है। अच्छा लगता है ना जब कोई किसी के दिल की बात को सुने, उसे समझे। बिल्कुल, लेकिन हर इंसान की आदत होती है, अपने प्यार का इजहार करने से पहले कई बहाने बनाता है, कई बातें बनाता है। अब तो हर महीने मैं ये सारी बातें सुनकर थक चुकी हूँ। अब तो हम दोनों के बाल भी सफेद हो चुके हैं, तब भी वही बातें। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अब भले ही एक सम्मानित आदमी है, गांव में आपकी इज्जत है, फिर भी आपके मुंह से प्रभा सुनना मुझे पसंद नहीं है। आखिरी बार कहती हूँ, निकल जाओ। पहले से ही तुम्हारा चेहरा काला है, गुस्से में और काला लगता है। कल तक मेरे सामने सर उठाकर बात नहीं करती थी, आज आंख उठाकर बात कर रही हो, क्यों? कहीं उस तांत्रिक के साथ शादी करके इन गाँव वालों के सामने मेरे मुँह पर कालिक तो नहीं पोतने वाली हो? बोलो, क्या इरादा है तुम्हारा? तुम्हें क्या? अगर ऐसा करो तब भी तुमसे मतलब? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती? मेरे पति मरे नहीं थे, तुमने मारा था। सिर्फ उन्हें ही नहीं, रवि को भी। प्रभा, चले जाओ यहाँ से, वरना आज तक किसी को नहीं दी लेकिन तुम्हें गाली देने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। आज जो तुमने मेरी बेइज्जती की है, शायद वो बात मैं भूल भी जाऊं, पहले की बेइज्जती भी भूल जाऊंगा, पर उस तांत्रिक को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद इस घर की दो औरतों की इज्जत की धज्जियां कैसे उड़ती है ये पूरा गांव देखेगा। अपनी तो हर आग तूफान है। उसने कभी सोचा नहीं होगा कि तुम इस गांव में कभी लौट कर आओगे, पर मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए। जब तुम इस गांव को छोड़कर चले गए थे तो यहां मौत का तांडव हो रहा था। अब रावणी वही घटना दोहराएगा। नहीं रावणी नायर, अब इस गांव में मौत का तांडव नहीं होगा। सिर्फ एक ही लाश की तलाश है मुझे इस गांव में, बस इतना ही चाहता हूं। तुमने बिल्कुल सही कहा, इतने सालों के बाद मेरे लौटने की वजह यही है, यहां आने का मकसद यही है। सिर्फ एक आदमी का खून, उसकी लाश देख लूं फिर मैं चला जाऊंगा। ये इस गांव के ओडियन का वादा है। बिना अपने हाथों से खून धोए और बिना अपने उन खून से सने हुए कपड़ों को बदले भी चला जाऊंगा यहाँ से, पर तब तक मैं यहीं रुकूंगा। क्यों रे मानक, क्या रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई? तू अपने आप को समझता क्या है? रावणी नायर, जादू टोना करके मैंने तुम्हारे भांजे को डराया, इसकी वजह तुम अच्छी तरह जानते हो, और मैं भी। इससे पहले कि एक ओडियन के क्रोध से तुम भस्म हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैं जानता हूँ तुम मालकिन की वजह से यहाँ वापस आए हो। याद रहे, मैं सिर्फ इस गांव से दूर था, मालकिन से नहीं। ये समझने के लिए कि ये जन्म तुम्हारे लिए काफी नहीं। अब जाओ। रुको, किसी की हत्या करने वाले हो जाते जाते रास्ते में तो इसे साथ लेते जाओ। रूपमणि की हत्या का जब तुम षड्यंत्र रच रहे थे तो ये तुम्हारे साथ था। आज भी इस पर खून के धब्बे हैं। इन्हीं दोनों का सहारा लेकर तुमने मेरा नाम बदनाम किया है रावणी, इस पर उन्हीं के खून के धब्बे हैं। तुम्हें मारने के लिए इन नकली खुरों की जरूरत नहीं। लो। अब जाओ यहां से और जाकर बचा लो अपने भतीजे को। मैंने कितनी बार कहा कहीं अकेले मत जाना। इससे पहले कि वो हमें फंसाए, हमें उसे फंसाना होगा। भांजे, बना लिया तांत्रिक को फंसाने की साजिश। अगर उसको खत्म करना है तो हम सबको मैदान में उतरना होगा, है ना? जोगन बन के तुम लोग उस माणिक्य के बारे में इतना क्यों सोचते हो? उसका नाम सुनते ही तुम लोग डर से पत्ते की तरह कांपने लगते हो। अगर तुम लोग मेरे साथ मिल जाओ तो उसे खत्म कर सकते हैं। तुम लोग अकेले उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते हो, समझे? उसे कैसे खत्म करना है उसका फैसला मैं खुद करूंगा। मैं। आपको क्या लगता है बड़ी माँ, कल कौन जीतेगा? ओडियन की जीत होगी क्या? वो हार जाएंगे। क्या? गांव वाले हार जाएंगे। आजकल ठीक से नींद नहीं आती मुझे मानिक्या। उम्र हो चुकी है और तुम इस उम्र में ये काम खत्म कर पाओगे? इस शटर को बंद करने में मेरी सांस फूल जा रही है। जाने दो, भूल जाओ इन सबको। उन बच्चों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ, उसके बाद सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। हाँ। कल अमावस्या की रात में ये गांव अंधेरे में डूब जाएगा, इस बात को मत भूलो। मानिक, क्या तुम मेरी बात समझो? मेरी आंखों में गौर से देखो, इनमें वो बच्चे नजर आते हैं। तुमने तो मेरे बहुत से करतब देखे हैं, इस आखिरी वाले में बहुत मजा आएगा। ये प्रतिशोध तुम क्यों और किसके लिए ले रहे हो ये मैं जानता हूँ मानिक्या। तुम मालकिन से इतना प्यार करते थे। करते थे कह के इस प्रेम को बदनाम न करो दामोदर, अभी तो हम दोनों जिंदा हैं। आज रात के लिए इस गांव के इंस्पेक्टर सिर्फ आप हो, बाकी ऑफिसर्स को मैंने कहीं और ड्यूटी पर लगा दिया है। स्टेशन में सिर्फ रमन नाम का दरोगा ही ड्यूटी पर है। और काम हो तो बताइए। बस इतना ही। किसी ने देखा कि वो घर में है या नहीं? मधु और राजन देखने गए हैं। अरे ये तो परछाई थी, तुमने बेकार में डरा दिया। तेरी तो छाया देख के डर गया। चलो चल। पता नहीं वहाँ पे होगा या नहीं होगा। अरे उनको सुनो। अरे मैं तो तुम्हारे साथ ही आ रहा था। हमारे ऊपर कूदा क्यों? बहुत डर गया था। अरे यार तुझे ऐसे आने की क्या जरूरत थी? तो मैं कैसे आता, तू ही बता। अरे यार इसे भी फालतू में झेल रहे हैं, दिमाग खराब कर दिया। टॉर्च चलाओ। अरे यार बिजली चली गई। टॉर्च निकाल। क्या ये क्या? अरे हटो, डरना बंद करो तुम लोग। किसी चली गई यार। एक सिगरेट दो, एक सिगरेट निकालो। अब इस वक्त तुझे सिगरेट चाहिए? अबे पागल है क्या? ऐसे वक्त में तुम्हें सिगरेट चाहिए क्या? यहाँ हमारी हालत खराब हो गई है। ये अच्छा किया। अब इस काशी गांव को अंधेरे में ही रहने दो तो अच्छा है। एक काम करो, ये लो, ये पियो, अंदर जाके पियो। हाँ। मैंने पहले ही कहा था कि उस तांत्रिक से पंगा मत लो, पता नहीं अब क्या होगा। ए चुपड़ा, नहीं तो अभी एक लात मारूंगा। ए रुको, हम भी आ रहे हैं। हाँ। यार हमने तो हर जगह ढूंढ लिया है। देखा उसे? हमने उसे घर पे भी देखा। लगता है वो घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। सुनो, डरने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता वो यहाँ है, बहुत देर हो गई है। ए चल बोतल निकाल, यहाँ बैठ के पीते हैं। चल आजा, मशाल यहाँ रख दो। चलो बोतल निकालो जल्दी। हाँ भाई जल्दी निकाल रहा हूँ। ये ले पी। नहीं मैं नहीं पीऊंगा। अरे तेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। नहीं। अरे नहीं पी रहा है तो मत पीने देना, जबरदस्ती क्यों कर रहा है? थोड़ा पियो। नहीं। पक्का ना? नहीं चाहिए? हाँ हाँ। अब जा कहाँ रहे हो? आ रहा हूँ। देखना शिकार मत हो जाना। वो तो काशी वापस चला गया होगा। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई? कुछ बूढ़े लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, ये देखा है वो देखा है। निकालो ये सब दिमाग से। मैंने उसे अभी देखा। हाँ? क्या देखा? शायद ये तेरा वहम हो सकता है भाई। तो हम यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? हाँ? वो उजाले में आ सकता है क्या? और अगर आ गया तो उसकी खैर नहीं। हाँ? मैं तो तलवार भोंक दूंगा। ये कहाँ जा गए? Hey, up. कहाँ गया? आ जाओ। वो रहा। ढूंढो उसे। यही होगा। कहाँ गया वो? ऊपर देखो। दिख रहा है क्या? कहाँ गया वो? अरे ढूंढो उसे। अरे कहाँ छुपा है? जरा ढूंढो। मारा। देखो यही होगा। राजेश, है तुम लोग इधर आओ। जी, इसे लेकर जाओ। जी, उठा। ए माणक्य, बच्चों को क्यों डरा रहा है? ये लड़ाई तेरी और मेरी है। अब तक तेरी जिंदगी का हर फैसला मैंने किया है। ये रावणी, कब तुम्हें हंसना है, कब तुम्हें रोना है और कब तुम्हें बोलना है। तुम्हारी मौत का फैसला आज मैं करूंगा। कलूटे नायर, मैंने तुझसे कहा नहीं था कि मैंने तेरे भांजे को किस लिए चुना है? ताकि तू खुलकर सामने आ जाए। रावणी, इन बच्चों से मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरी नजर तो सिर्फ और सिर्फ तुझ पर थी रावणी, और देख तू सामने आ गया, बिल्कुल मेरे सामने, जिस दिन मैं चाहता था उस दिन, मेरे तय किए हुए समय पर। तो फिर सामने आना। तुम अपने आप को इस धरती का सबसे महान तांत्रिक समझते हो, फिर ये कौन है? तुम्हारे जैसों को देखकर ये नहीं डरते। गर्दन पर चाकू फिराया और गर्दन धड़ से अलग हो जाता है। ये मेरा दाहिना हाथ है और इसी के जरिए मैंने उन दोनों को मारा था। आज तुझे खत्म करके ये रावणी उस घर की दोनों विधवाओं को जलाकर राख कर देगा। तांत्रिक, आज तेरा सारा तंत्र मंत्र खत्म हो जाएगा। आज तक तुमने अंधेरे में जितनों को डराया वो सब खत्म। दिन के उजाले की तरह जल रही इस आग में मैं तुझे भस्म कर दूंगा। क्या सोचा था तूने कि तू इस सोडियन को इस तरह से रोशनी करके खत्म कर देगा? अगर हम सिर्फ रात में ताकतवर होते हैं तो रोशनी में हमें बदन पर सिर्फ एक सफेद चादर चाहिए अपनी ताकत पाने के लिए। ये आखिरी सबक मेरे दादा ने मेरे कानों में फुसफुसाया था। तेरे जैसे राक्षस को मारना रावणी इस गांव के लिए एक सबक होगा। तेरा आखिरी समय आ चुका है। ए, 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 ए। बड़ी माँ, हाँ, इस तरह से तो ओडियन की कहानी खत्म हो जाएगी। बताओ तो ये बात किसने कही तुमसे? और नहीं तो क्या। जरा तुम लाइट बंद करोगे? क्यों बंद करो बड़ी माँ? करके तो देखो। बड़ी माँ, ये कौन है? बड़ी माँ, हमारे कमरे में कोई है? लाइट चालू करो बड़ी माँ, मुझे ठीक है बंद कर दो। अरे कमल के फूल ये कहाँ से मिले? अब मुझे दो, ये मेरे लिए। मैंने कहा ना ये मेरे लिए है। जाओ अपनी माँ के पास जाओ। कमल के मुझे चाहिए थे फूल।